अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल रिया कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्ची को जैसे करार मिल गया, उस बच्ची ने नहीं, इसकी माँ ने बिगाड़ा है। मेरी खुशियाँ निगल गई है, ले जाएं इसे मेरी नज़रों के सामने से, ले जाएं। चाहे किसी कचरे के ढेर में फेंक आए या सड़क के किनारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कह के वो रुख मोड़ गई। कुछ देर वो बेबसी से बच्ची को देखते रहे, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुँच गए, बच्ची को बेबी कॉट में डाला। वो चुपचाप उसे लेकर बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की। बेबी कॉट में पड़ी वो बच्ची नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। आधे घंटे बाद वो शहर में थे। बच्ची को लेकर नीचे उतरे और चलने लगे। चलते चलते वो एक कदरे सुनसान सड़क पर पहुँचे। आँखें नम थीं। एक दरख्त के साथ बेबी कॉट को रखा। सर्दियों की रातों में रोड बिल्कुल सुनसान था। बच्ची खामोश से अपने बाप को देख रही थी। आगे बढ़ के बच्ची का माथा चूमा था। वो बाप का लम्स महसूस करके धीरे से मुस्कुराई थी। वॉलेट में लगी अपनी और उसकी आखिरी तस्वीर तोहफे के तौर पर उसके साथ रख दी थी। शायद वो ये चाहते थे कि अगर ये जिंदा बच जाए तो उन्हें ढूंढ ले। हमें माफ़ कर दीजिएगा बेटा, हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाए। हम मजबूर थे, लेकिन हम आपको अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। वो आपके लिए कोई अच्छा वसीला बना देंगे। उसका नन्ना सा हाथ छोड़ के वो उठ खड़े हुए। गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट की। उस बच्ची ने नन्ही गर्दन घुमाई, शायद वो अपने बाप को देखना चाहती थी, और ज़ारों कतार रोने लगी। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा था। ये आवाज़ें आज भी उनके कान के पर्दे फाड़ती थी। पता नहीं वो जिंदा थी या मर गई थी, वो कुछ नहीं जानते थे। वो बस इतना जानते थे कि वो उनकी बेटी थी और वो एक लापरवाह बाप जो अपनी औलाद की हिफाजत ना कर पाए। उनकी आँखें फिर एक दफ़ा भीगने लगी थी। चाहत लप्पे वो चलती हुई लड़की की तरह आए, हसरत आँख में जिंदा के असीरों जैसी। सुबह की जर्द रोशनी ने उस चमचमाते कोठे पे लगी बत्तियों को मांद कर दिया था। हर कमरे में चहल पहल थी, सवाए उस कमरे के वो अभी तक अफसुर्दगी से खिड़की से बाहर देख रही थी। साथ कमरे में बैठी निगार बेगम ये अल्फाज सुन के हैरत की तस्वीर बनी हुई थी। फटाफट मुँह से पान थूका था। खान जी, आप जरपाश की बात कर रहे हैं? उन्होंने आगे होके ऐसे पूछा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। हाँ, उसी की, उसने लापरवाही से कहा। खान जी, पूरे कोठे में जिस भी लड़की पर हाथ रखेंगे लड़की हाथ, लेकिन जरपाश नहीं, उन्होंने दो टोक कहा था। क्यों? उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। क्योंकि खान जी वो तवायफ नहीं है, वो कोठे में रहती ज़रूर है, वो तवायफ नहीं है, उसकी माँ ये नहीं होने देगी। उन्होंने सारी सूरत हाल बताई। निगार बेगम, सिर्फ एक रात की बात है, मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आप कुछ करें ना, मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप खुश हो जाएंगी। उसने उन्हें लालच दी। माजरत खान जी, ये किस्सा हमारे बस से बाहर है। उसकी माँ ने हमारी बहुत खिदमत की है, कभी एक फूटी कौरी नहीं ली हमसे। बदले में हम जरपाश को धंधे से दूर रखें, हम जबान दे चुके हैं। और निगार बेगम जबान से नहीं फिरती, जरपाश वाली बात मुमकिन नहीं, उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा और फिर से पान चबाने लगी। वो एक सख्त निगाह उन पे डालता उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने वहाज खान रखा है निगार बेगम, और मेरी भी जिद है, मैं भी जरपाश के साथ वक्त गुजार के रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। वो तपिश बड़ी नज़रों से देखता बाहर निकल गया। निगार बेगम ने सर झटक दिया, लेकिन वो अभी तक सोच रही थी कि उसने जरपाश को देखा कहाँ है। शाम में तन्हाई गम न करके, तेरा कोई हम सफर नहीं है, हम हैं। जहाँ आरा तैयार हुई, परेशान सी मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। जरी को बहुत तेज बुखार है, हमारा जाना जरूरी ना होता तो हम कभी ना जाते। आप उन्हें वक्त पे दवाएं देते रहिएगा, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। बेड पे आंखें मूंदे गहरी नींद सोई जरी के नकाहत ज़दा चेहरे को देखते हुए उन्होंने परेशानी से कहा, और खुद चादर ओढ़ के उठ खड़ी हुई और मुलाजमा को हिदायत देते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुलाजमा ने भी उनकी पैरवी की। अब कमरे में जरपाश अकेली थी। कितने मगरूर पहाड़ों के बदन चाक हुए, तेज किरणों की जो बारिश हुई तीरों जैसी। वो गुस्से से जैसे ही कमरे से बाहर निकला, चमकीले पर्दे की पार नज़र पड़ते ही झटका। वो अंदर प्लंक पे गहरी नींद सो रही थी। वो खुद को रोक ना पाया और अंदर चला गया। वो अभी तक सो रही थी। उसके पास खड़ा होकर काफ़ी देर उसे देखता रहा। वो उसे इतनी मासूम लगी कि बेसाख्ता उसके लंबे बालों में उंगलियां फेरने लगा।
वो किसी की मौजूदगी महसूस करके घबरा के उठ बैठी। धुन झड़ते ही उसके उसान खता हो गए। वो फिर सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे बुखार की वजह से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, फिर भी उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। जब किसी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।